सरहदें तप रही हैं, आतंकियों के खात्मे को भारत के जवान जूझ रहे हैं, आतंकी ढेर हो रहे हैं, हमारे जाबाज जवान भी घायल और शहीद हो रहे हैं। जान हथेली पर लेकर सरहद जाने वाले तमाम जवान खतरे को देखते हुए इस परम फ्रीजिंग तकनीक अपना रहे हैं। इनमें ऐसे जवान हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है, बच्चे नहीं हैं और उन्हें सरहद पर लड़ने जाना है। गंभीर चोट लगने या शहादत की नौबत आए तो उनकी संती के इस तकनीक से जन्म ले सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 साल में पूर्वांचल के 350 जवानों ने इस स्पर्म फ्रीज कराए हैं। पुलवामा हमले के बाद छुट्टी से सरहद लौट रहे 11 जवानों ने इस स्पर्म सुरक्षित कराए हैं। इनमें से 6 जवानों ने एक ही फर्टिलिटी सेंटर के इस स्पर्म फ्रीजर से ये सेवा ली है, इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। नवविवाहिता जवानों के एहतियातन इसे अपनाया है, हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। किसी जवान की संतान के जन्म के लिए फ्रीज स्पर्म का प्रयोग करना पड़ा, यानी ऐसे सभी जवान सकुशल स्वस्थ हैं। गोरखपुर में यह सुविधा 3 निजी अस्पतालों में है, जहां 5 साल तक के स्पर्म सुरक्षित रखवा सकते हैं। इसकी फीस 3,000 रुपये सालाना है। जवानों के अलावा ज़्यादातर यात्रा करने वाले कुछ इंजीनियर, मैनेजर और ANRI भी इस तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऐसे ज़्यादातर मामले में वजह कोई बीमारी होती है। इस तकनीक में स्पर्म को पत्नी के ओवा से निषेचित करवा कर उसे माँ के गर्भ को प्रत्यारोपित कराते हैं। मैं डॉक्टर सुरीता करीम यहाँ पे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ गोरखपुर में लास्ट 30 ईयर्स से जी। अच्छा, ये स्पर्म फ्रीजर का कॉन्सेप्ट गोरखपुर में कब से है? देखिए, सबसे पहला मेरा ही सेंटर था यहाँ पे, हमने 2005 में ये शुरू किया है, स्टार एडवांस्ड फर्टिलिटी एंड लेप्रोस्कोपी, जिसको शॉर्ट में सफल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी हम लोग कहते हैं। तो ये हमने 2005 में शुरू किया था, और चूंकि ये एक एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं इसमें सारी, तो सारी ही एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसमें हम लोग जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, इस तरीके की जितनी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये 2008 से हम लोग कर रहे हैं, तो तब से अब तक 10 साल हो गए। ये अभी इसमें आपको कौन कौन से लोग, किस तरह के लोग होते हैं, जो किस तरह के एम्प्लॉई या ऐसे किस तरह से जुड़े हुए लोग आपके पास जुड़ते हैं, कैसे आते हैं? देखिए, एक तो एक इटसेल्फ जो ART टेक्निक्स हैं उसमें फ्रीजिंग एक पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है। हम लोग जब IVF या ICSI या IUI जो भी करते हैं तो उसमें हमको हस्बैंड के सीमन की सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, और जिनके पास स्पर्म नहीं होते हैं, शुक्राणु नहीं होते हैं, तो उसमें हम लोग बैंक का सीमन भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक हैं, जो कि जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक्स हैं वो लोग हम लोगों को बैंक से सर्टिफाइड सीमन देते हैं। लेकिन जहाँ पे हस्बैंड का सीमन हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोगों को एक कभी कभी ये समस्या आती है कि जैसे हमने आज हमको IUI करना है और हस्बैंड की मानिए ऑफिस में कोई ज़रूरी कारण से मीटिंग है, या हमको IUI करना है और या हमने कहा कि आज आपको साथ रहना है और उस समय हस्बैंड को ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो इन सब कारणों की वजह से धीरे धीरे ये रिक्वायरमेंट बढ़ी कि स्पर्म का एक फ्रोजन सैंपल हम लोगों के पास बैकअप में होना चाहिए, ताकि वो जो साइकिल है जिस दौरान हमने औरत को अंडा बनाने के लिए इंजेक्शन वगैरह दिया है और हमारी प्लानिंग है कि इस समय हम उनसे कहेंगे कि आप लोग साथ रहिए तो वो लोग साथ रहेंगे, या हम IUI करेंगे तो हम हस्बैंड का सैंपल लेके उसमें डालेंगे, तो वो सैंपल का ही अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो वो पूरा साइकिल फिर बेकार हो जाता है, पैसा वेस्ट होता है। तो इससे उबारने के लिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि हस्बैंड को कहते हैं आप जब फ्री हो आप एक सैंपल हमको दे दीजिए जिसको हम लोग फ्रीज करके रख लेंगे, और जिस समय उनका ओवुलेशन पीरियड होगा वाइफ का तो हम लोग उसी को थॉ करके उससे IUI कर सकते हैं या IVF कर सकते हैं। किस तरह के पैसे के लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के, सैनिक बल के, या किस तरह के लोग होते हैं जो आपके पास ज्यादा के साथ हैं? देखिए, इसमें आजकल क्या है, एक तो बहुत बड़ी समस्या है कि रोजगार की समस्या है ही है, सबको मालूम है, और जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है या इवन इन गवर्नमेंट जॉब्स में जो ट्रेनिंग्स बहुत हो रही हैं, अब जैसे इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि अर्ध सैनिक बल से हैं या फौज में हैं, तो फौज की जो जो मेडिकल कोर है वो बहुत वेल डेवलप्ड है, उसके पास सारी संसाधन और सुविधाएं हैं,
तो फौज के लोग हम लोगों के पास प्राइवेट में तो कम आते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और एसएसबी इन सब के पास अभी ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले युक्त जो संस्थान हैं वो बहुत कम है। तो जो अर्धसैनिक बल में